come here? Yes, you know. So they have come to have interaction with you. So whatever queries, questions they ask you, please answer it. And I request NACPA team, sir. We are going out. फर्स्ट सेमेस्टर के कौन से बच्चे हैं? रेज योर हैंड. फर्स्ट ईयर. सेकंड ईयर. कॉमर्स के कौन से बच्चे हैं? कॉमर्स और बाकी इधर जो हैं बीएससी आईटी. जो कॉमर्स के बच्चे हैं, देखिए पहले तो आपको बड़ा ये क्लियर है कि हम लोग NACPA टीम में हैं. ठीक है, मैं प्रोफेसर एसपी बंसल, वाइस चांसलर इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी इन हरियाणा. आप प्रोफेसर शुक्ला, आप बनारस से हैं, काशी विद्यापीठ में. और प्रोफेसर बहल, आप लुधियाना में हैं, प्रिंसिपल हैं कॉलेज के. ठीक है, तो हम लोग जो हैं अभी तो हम स्टूडेंट से करेंगे इंटरेक्शन केवल. तो अभी आप पेरेंट्स हैं? रिसर्च एसोसिएट. ओके, तो हमारा पर्पज ये है कि यहाँ पर विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को मैक्सिमम फैसिलिटीज मिले. ठीक है, आप लोगों को एक अच्छा वातावरण मिले, एनवायरनमेंट मिले कॉलेज में. और जब कॉलेज से पास आउट करके जाओ तो भी आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले आगे जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए. तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज कैसे आएँ, यहाँ पर अच्छा एनवायरनमेंट कैसे मिले, आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए वो मिले, आपको जो बुक्स मिलनी चाहिए वो मिले. ठीक है, आपको जिस तरह की फैकल्टी मिलनी चाहिए वो मिले, आपको जिस तरह के नोट्स मिलने चाहिए वो मिले, जिस तरह की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए आपको आईटी में मिलनी चाहिए, कंप्यूटर मिलने चाहिए, लाइब्रेरी में मिलनी चाहिए, बुक्स मिलनी चाहिए, इशू होनी चाहिए, आपका यूनिवर्सिटी वेबसाइट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना. आपको टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करना है आपको 24 आवर, सो दैट यू कैन बी इन टच विद द टीचर थ्रू वेबसाइट. जो आपका अपना वेबसाइट बने, इस तरह से जुड़े, जो वो पढ़ाते हैं वो ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाए. ठीक है, तो इस तरह की सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलें, एक अच्छा वातावरण बने. तो अगर नहीं है, अगर गैप है, तो वो गैप क्या है? आप लोगों की एक्सपेक्टेशन, जब आप लोगों ने एडमिशन लिया, आप लोगों की एक्सपेक्टेशन केवल इतना तो नहीं है ना कि भी आपने केवल कागज़ का टुकड़ा लेना है, डिग्री लेना है. डिग्री नहीं लेना है आपको, तो नॉलेज चाहिए. तो उस नॉलेज लेने के लिए आपकी जो एक्सपेक्टेशन है कॉलेज से, मैनेजमेंट से, टीचर्स से, वो आपका पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? अगर नहीं हो रहा है तो हमें खुल करके बताएं. अगर नहीं बताओगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. फिर तो क्या है, हम बोलेंगे ठीक है, सब अच्छा है, आप सेटिस्फाइड हैं. लेकिन हमें तो आपसे ये पूछना है कि क्या क्या कमी है. अगर आप वो हमें बताएंगे तो हम अच्छे स्टेप्स ले पाएंगे, अच्छा मैनेजमेंट से डिस्कस कर पाएंगे, अपने रिपोर्ट में लिखेंगे, ताकि आपको क्लासरूम मिले जिस तरह का क्लासरूम मिलना चाहिए, फैसिलिटीज़ मिले. आपका अगर प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर मिले. अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, अगर आप चाहते हो तो वो मिले. अगर आप ये चाहते हो कि अच्छे एक्सपर्ट्स आएँ तो आएँ. अगर आप ये चाहते हैं कि एक्सपर्ट्स नहीं आ पा रहे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप लोगों का MOU साइन हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप लोगों को फ़ायदा हो, तो वो हो. है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए. ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं आप सभी लोगों से, सभी बच्चों से, कि आप हमें बताएं
अच्छी चीज़ें हमने देख ली क्या क्या हैं, आप तो केवल हमें ये बताएं कि ये कमियां हैं, ये हमें आप लोगों को चाहिए, ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी। ऐसा करके ना तो आप किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, ना तो आप किसी टीचर के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको फैकल्टी नहीं है मान लो तो भी आप टीचर के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, आप तो एक अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं। प्रॉब्लम बताने से हमारे के लिए सुविधा होगी, हम भी अच्छा आपको एनवायरमेंट देने का प्रयास करेंगे, टीम आने का तो वही फायदा होता है, ठीक है। चलिए शुरुआत कीजिए आप लोग। बस इतना वीडियो बन गया, ठीक है, काफी है। देखिए आप अपना नाम जैसे